अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मटन कोरमा। देखिए, इसके लिए हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए। इसके लिए हमने लिया है 1.25 किलो बकरे का गोश्त, 4 बड़ी साइज की प्याज इसने हमने काट लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 टेबलस्पून असली घी, 2 तेज़पत्ता, शाहजीरा, इलायची लौंग थोड़े थोड़े, 2 टेबलस्पून नमक, थोड़े से ड्राई फ्रूट, 6 से 7 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा खोपरा पीक लिया है, चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स और खोपरा ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए, हमने एक बर्तन ले लिया है, इसे हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, हमारा ऑयल गरम हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, शाहजीरा, इलायची लौंग, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, अब हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए ढक देते हैं। ये देखिए, हमारा प्याज और गोश्त अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें सारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, असली घी, कटी हुई हरी मिर्च, खोपरा और ड्राई फ्रूट्स हमने ग्राइंड किया था वो ऐड कर देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा इसे भून लेंगे। Thank you.
एक 2 से 3 मिनट से इसे पकने देंगे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास पानी। आपको अगर शेवा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। इसे हम ढक के रख देंगे जब तक हमारा पानी और मसाले अच्छे से नहीं पक जाते, 10 मिनट तक।